इसको देखिए, यहाँ से ये 4x4 में आप इनको बना सकते हैं। ये देखिए स्क्वायर में है 4x4, और ये जो टेपर किया हुआ है ये आप अपने हिसाब से टेपर कर सकते हैं और इसमें सुराख लगा सकते हैं। ये देखिए जो वो छेद में जो आप लगाएंगे वहाँ देखिए कि वो जो हम खांचा बनाए हैं जिसमें वो चूड़ी लगाने वाला हैंगर जो लगाएंगे हम, उसमें आप ड्रिल मशीन से सुराख कर सकते हैं जिसको छेदा बोलते हैं। आप छेदा थोड़ा सावधानी से कीजिए कि वो फटे ना, क्योंकि देखिए जगह उसका बहुत कम है। उसको थोड़ा हिसाब से और सावधानी से, अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आप उस हिसाब से उस डायरेक्शन में आप छेद कर सकते हैं। और आप जितना मतलब उसका लकड़ी का मोटाई लकड़ी रखे हैं उस हिसाब से उसमें बीट लगाए और उसमें आप छेद कर सकते हैं। यहाँ देखिए छेदा होने के बाद हम उसमें जो उसमें लगाएंगे छेदा में, उनमें चलिए हम चूर बना लेते हैं। पहले चूर आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब हम जैसा बना रहे हैं आप वैसा ही बनाइए। आप में से सैंपल ही मतलब वैसे आपको दिखाने के लिए, मनोरंजन के लिए मतलब दिखा देते हैं, मतलब कि आप देख के कैसे सीखेंगे, मतलब कैसे आप कहीं बना पाएंगे। ये देखिए मतलब उसको थोड़ा चूर बना के उसको हम गोल कर देते हैं, और इसको पूरा क्लियर बढ़िया से गोल कीजिए कि मतलब थोड़ा दिक्कत ना आए, क्योंकि देखिए ये थोड़ा टाइट भी होना चाहिए और ज़्यादा टाइट मत दीजिए, इतना ही टाइट दीजिए कि वो फेविकॉल के साथ हम दे सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें आप कील नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम उसको लगा रहे हैं, ये देखिए ये हम लगा चुके हैं इसमें, तो आप इसी तरह से इसको लगा सकते हैं। चलिए अब देखिए हम जो बताए यहाँ अभी जो आप देखते आए हैं वो देखिए अभी बन के क्लियर हो गया है। आप जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ये देख सकते हैं आप, ये चूड़ी स्टैंड बहुत ही मस्त बनेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर नहीं अच्छा बने तो हमें आप बता सकते हैं, लेकिन आप फोटो में भी देख सकते हैं।